और राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करने में इच्छुक हो तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका आ चुका है दोस्तों। इंडियन आर्मी में रिलेशन भर्ती आपके लिए आ चुकी है। कौन कौन इस भर्ती में जा सकता है, क्या आपकी एज रहेगी और कौन कौन सी कैटेगरी में आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है, अगर आप यह पूरी जानकारी जान चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती आपके लिए आ चुकी है। जो आपकी रिलेशन भर्ती चलने वाली दोस्तों आरबीसी सेंटर कॉलेज मेरिट कैंट में आपकी जो रिलेशन भर्ती है वो चलने वाली है। आपकी पोस्ट की बात करें दोस्तों, जनरल ड्यूटी की आपको और एनए की और ट्रेडमैन की पोस्ट पे आपके यहाँ पे भर्ती होने वाली है। 28 नवंबर से लेकर आपकी 29 नवंबर तक आपकी ये भर्ती रिलीज चलने वाली है। एज की बात करें दोस्तों, 17.5 से लेकर 21 वर्ष के कैंडिडेट जनरल ड्यूटी के लिए जा सकते हैं और ट्रेडमैन और एनए की बात करें 17.5 से लेकर 23 वर्ष के कैंडिडेट भर्ती में जा सकते हैं। और एजुकेशन की बात करें दोस्तों, जनरल ड्यूटी के लिए आपको पता ही है कि अगर आप 10th सिंपल पास हो तो आप इस भर्ती में जा सकते हो। और एनए की पोस्ट की बात करें दोस्तों, अगर आपने +2 में या फिर +2 पास हो, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस बायोलॉजी इंग्लिश के साथ आपने +2 पास किया और आपके अंक 50% आपके अंक हैं तो आप इस भर्ती में जा पाओगे। इस भर्ती के लिए आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं करना होगा। सुबह अपने सुबह 4 बजे इस भर्ती के लिए जाना होगा। और ट्रेडमैन की पोस्ट की बात करें दोस्तों, अगर आप 10th सिंपल पास भी हो तब भी आप इस भर्ती में जा पाओगे, ठीक है। और आगे बात करते दोस्तों, सेना भर्ती केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए आपकी भर्ती होने वाली है, ठीक है। ओनली मेल कैंडिडेट भर्ती में जा पाएंगे अनमैरिड। और आयु की गणना की बात करें, जनरल ड्यूटी के लिए आपकी 28/11/1999 से लेकर 28/5/2003 के बीच में अगर आपकी एज बनती है तो आप इस भर्ती में जा पाओगे। ओनली रिलेशन कैंडिडेट भर्ती में जा सकते हैं। आरबीसी सेंटर कॉलेज मेरिट कैंट की तरफ से आपकी भर्ती आ चुकी है, ठीक है। और आपकी टीच एनियन की एन ए की बात करें, आपकी 29/11/1997 से लेकर 29/5/2003 के बीच में अगर आपकी एज बनती है तो आप इस भर्ती में जा पाओगे। ट्रेडमैन की बात करें, आपकी यही सेम टू सेम आपकी एज रहने वाली है इस भर्ती के लिए दोस्तों। रिलेशन कैंडिडेट इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। आपकी जो भर्ती है आरबीसी सेंटर मेरिट कैंट की तरफ से आपकी भर्ती रिलीज आ चुकी है। 28 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपकी यह भर्ती रिलीज चलने वाली है। अगर आप भी इस भर्ती में जाकर दोस्तों देश की सेवा करना चाहते हो तो आप इस भर्ती में जा सकते हो। इस के लिए आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं करना होगा। यह भर्ती दोस्तों पूरे भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट भर्ती में जा सकते हैं। अगर आपके पास रिलेशन का सेंटर, किसी भी सेंटर का अगर आपके पास रिलेशन का बना हुआ है तो आप इस भर्ती में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।